नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का ब्लॉग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो बात कुछ ऐसी है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतना सपोर्ट और इतना प्यार मेरी वीडियोज़ को दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आपका जो ये प्यार और सपोर्ट है, इसी की वजह से बहुत मोटिवेशन मिलता है इतनी वीडियोस बनाने का। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इतना फ्रिक्वेंट होके वीडियोस डालूंगा। जो मेरी चैनल स्टार्ट करने का मोटिव था वो बस सिर्फ यही था कि मेरी लाइफ के जितने भी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उनको मैं कैप्चर करूं और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कहीं एक जगह स्टोर कर दूं, ताकि फ्यूचर में मैं या आने वाली जनरेशन उसको एंजॉय कर पाए। पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे और अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ, तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको मेरी वीडियो में कभी भी कोई भी कमी लगे या कुछ ऐसा लगे जो मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी 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 कोशिश करूँगा। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अब इसके बाद चलते हैं सीधा ब्लॉग में और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो दोस्तों, सारे कॉलेजेस की तरह मेरे कॉलेज में भी टेक्नोकल्चरल फेस्ट होता है। हमारे कॉलेज के फेस्ट का नाम यूथोपिया है, जो कि 3 दिनों तक चलता है। जो लास्ट डे होता है में एक कार्यक्रम होता है जिसको स्टार नाइट बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग साल अलग अलग स्टार्स आते हैं। तो इस साल गजेंद्र वर्मा सर आ रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही हमारा जो फेस्ट है वो ऑफिशियली ख़त्म होगा। तो आइए आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ फेस्ट। हम लोग पूरे रेडी हैं, बस वो खड़ी हुई है कैब, तो बस निकल रहे हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है क्योंकि आज स्टार नाइट है, जैसा कि आपको पता ही है। तो मिलते हैं आपसे अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं अब कॉलेज में और पूरा माहौल यहाँ पर अलग ही लेवल का है। कभी ऐसा लगा कॉलेज में सर? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इस बार अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। हम मतलब अलग ही वाइब आ रही है बिल्कुल। और इस बार तो स्टार नाइट में आपको बताया कि नहीं कौन आ रहा है? अब अगर थंबनेल उन लोगों ने देखा होगा तो पता तो होगा, पहचान ही लिया होगा आपने। ये मयंक भाई हमारे। और सबसे पहले गाइस सॉरी, क्योंकि मैं ये सब कुछ रात में शूट कर रहा हूँ, तो अगर इस वाले ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाए तो, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा। जहाँ पर भी लाइटिंग कंडीशन है मैं वहीं पर कोशिश कर रहा हूँ शूट करने की। तो बताते हैं फिर आपको आगे का अपडेट। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं स्टेज पूरा रेडी है और ऑडियंस भी है पूरी तैयार, और किसी भी वक्त आ सकते हैं हमारे स्टार जो कि हैं गजेंद्र वर्मा। तो अब इसके बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उनकी परफॉर्मेंस की ओर। आप जो ये क्लिप्स एंजॉय कर रहे थे, ये तो मैं फिर भी दूर से शूट कर रहा था। उसके बाद मुझे मौका मिला बिल्कुल उनके करीब से जाकर उनको शूट करने का। कितने करीब से मैंने शूट किया वो आप देखिए अब इस क्लिप में। हाँ
तो दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही थी, एंजॉय हम बहुत 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 ज़्यादा कर रहे थे। क्यों भाई शशांक? बिल्कुल, और मज़ा आ गया बिल्कुल आपको जो भी हम कहें, और शूट भी हम बिल्कुल करीब से ही जाके कर रहे थे। ये सब होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वो क्या चीज़ है वो आप इस क्लिप में जाके देख लीजिए। आपको सच बताऊं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ है, क्योंकि पहली बार मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ एक्चुअली में मैंने हाथ मिलाया है, पहली बार मेरे साथ बिल्कुल पहली बार ही हुआ है, और बहुत 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 अमेजिंग लगा जब ऐसा हुआ। मतलब कि कॉलेज के आखिरी दिनों में मतलब एक ख्वाहिश होती है वो भी पूरी हो गई, और उसको हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया, जिसको हम अपने पूरे जीवन काल में कभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी पूरी कहानी हमारे फेस्ट के लास्ट डे की। तो हम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी पूरी यूथोपिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिसने इतने अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटिक वे में सब चल रहा था। और साथ ही साथ हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे प्रोफेसर्स डॉक्टर राकेश मोहन सर का और डॉक्टर सुरभि सचदेवा मैम का, जिनकी वजह से हम आप लोगों के लिए इतने करीब से शूट कर पाए, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और उन्हीं की बदौलत आप ये वीडियोस और जो क्लिप्स इतनी पास से हैं वो एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना कुछ था, शुरू में मैंने कई आपसे बातें करी, फिर आपको मैंने फेस्ट दिखाया। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और यहाँ तक आपने देख लिया, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए आपको गजेंद्र सर का कौन सा गाना इसमें ज़्यादा बेस्ट लगा। वैसे तो उनके सारे ही गाने बढ़िया है, लेकिन जो हमारा पर्सनली फेवरेट है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम लोग 9th या 10th में होंगे शशांक। यस, और वो एम्प्टीनेस गाना है वो, मतलब जब उन्होंने गाया तो वापस से हमें स्कूल वाली हम मेमोरीज में अपने पहुँच गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आपसे जल्दी नए व्लॉग में, उसी की बात चल रही है चिट्टी भाई के साथ, और नेक्स्ट व्लॉग में ये जरूर दिखेंगे आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।